फ्री हैंड दिया है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को फ्री हैंड दिया गया है। प्रदेश में राजनीतिक नियुक्ति और अन्य बदलाव के लिए छूट मिली है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, मंत्रियों के विभागों में बदलाव के लिए हर सीएम को खुद से डिसीजन लेना होगा, कोई दबाव नहीं होगा। अब राजस्थान में शुरू हो सकती हैं राजनीतिक नियुक्तियां। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो दिल्ली का दबाव राज्यों की सरकार पर देखने को मिलता था पार्टी की ओर से, साफ तौर पर उससे हाथ खींच लिए गए हैं। फ्री हैंड दे दिया गया है सभी मुख्यमंत्रियों को कि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर आप अपने मन से, अपने हिसाब से नियुक्ति कर सकते हैं। संवाददाता मनोहर विश्नोई दिल्ली से इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनोहर, ये बड़ा फैसला कांग्रेस का, जिस राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां दिल्ली दफ्तर का कोई भी किसी भी तरीके का दखल नहीं होगा, अपने हिसाब से निर्णय ले पाएंगे, क्या जानकारी? जी बिल्कुल लक्ष्मी जी, इस तरीके से कांग्रेस में जो उथल पुथल हो रही है और जो हार के बाद जिस तरीके से असमंजस बना हुआ है, उसके बाद आलाकमान ने एक अपने मुख्यमंत्री को छूट दे दी है कि आप प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दीजिए और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए उनको कुछ जो सरकार का तो साथ है वो दीजिए और सरकार की जो मदद है उनको दीजिए, ताकि वो पार्टी के लिए काम कर सके और उनका मनोबल है वो डाउन नहीं हो। चूंकि जिस तरीके से जो राज्य में हार हुई है उसको लेकर कांग्रेस की आलाकमान सहित राहुल गांधी तमाम जो नेता है वो बड़ी दिक्कत में है, पशुपेश में है, कोई फैसला नहीं कर पा रहे, इसी स्थिति में ये फैसला बड़ा माना जा सकता है। क्योंकि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, उन्होंने राहुल गांधी से पिछले दिनों मुलाकात की थी और उसके बाद कहा है कि आप प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए जो उपाय हो, जो कदम उठाने वो आप करिएगा, आपके लिए फ्री छूट रहेगी। जी मनोहर, क्या माना जाए कि अब इस फैसले के बाद राजनीतिक नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी? कि जिस तरीके से राजस्थान में जेल जेल का है, मेडिकल है और जो बाल अपराध जो समितियां होती हैं उनमें जो कार्यकर्ताओं को जो सहयोगी के रूप में कमेटियों में लेना, उनको लेना सिलसिला शुरू हो चुका है और उसके बाद जो है संसदीय सचिव की कार्रवाई हो चाहे और कोई जो अन्य पद है राजनीतिक नियुक्तियां हो चाहे आईपीसी में हो और कोई वित्तीय जो सलाहकार के रूप में नियुक्तियां हो, वो तमाम जो नियुक्तियां हैं राजनीतिक दृष्टि से जो करनी है उसके लिए पहल शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री इसके लिए फ्री हैंड आलाकमान की तरफ से हो चुके हैं और वो अपने इच्छा अनुसार विवेक के अनुसार उनकी नियुक्तियां करेंगे। बहुत शुक्रिया मनोहर विश्नोई पूरी बातचीत के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए।